जौनपुर में एक नया ट्विस्ट आया है। बीएसपी की कैंडिडेट श्री कला का टिकट कट गया है। मायावती ने श्री कला का टिकट काट दिया है और श्याम सिंह यादव को, जो उनके पुराने सांसद थे, उन्हें मौका दिया गया है। धनंजय सिंह की पत्नी है, बाहुबली नेता है धनंजय सिंह। धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला को टिकट दिया गया था बीएसपी की ओर से, लेकिन मायावती ने उनका टिकट काट दिया और उसके बाद उन्होंने श्याम सिंह यादव को टिकट दिया है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि जो कार्यकर्ता है समझ नहीं पा रहे हैं क्या करेंगे, क्योंकि जो श्री कला है चुनाव प्रचार में लगी हुई थी, नामांकन दाखिल कर दिया था, पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए थे, लेकिन एकदम आप कह सकते हैं कि ठीक चुनाव से पहले ट्विस्ट आता है और अब श्याम सिंह यादव को मायावती ने अपना कैंडिडेट बना दिया है, जिसके बाद अब देखना होगा कि आखिरकार जौनपुर का जो पूरा समीकरण है वो किस तरह से यहाँ पर आगे सामने आता है। 25 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने हैं और 25 तारीख को चुनाव से पहले इस वक्त जौनपुर का जो पूरा माहौल है वो गरमा गया है। जौनपुर में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है और यहाँ पर बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है और साथ ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ पर मैदान में। ऐसे में श्रीकला के मैदान में उतरने से जौनपुर का जो पूरा चुनावी माहौल है काफ़ी दिलचस्प हो गया था, क्योंकि इस इलाके में धनंजय सिंह का खासा असर है, दबदबा है। अब धनंजय सिंह की कुछ दिन पहले ही जेल से रिहाई हुई है, अब वो बाहर आ चुके हैं, जिसके बाद जौनपुर का जो चुनावी माहौल है सुर्खियों में आ गया था। अब खबर आ रही है कि टिकट कटने के बाद श्रीकला चुनाव नहीं लड़ेंगी और साथ ही चुनावी अखाड़े से वो हटने जा रही है। ऐसे में देखना है कि आखिरकार धनंजय सिंह क्या करते हैं। तो विशाल प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अच्छा विशाल, ये बताइए कि आखिरकार हुआ ऐसा क्या कि जौनपुर में बिल्कुल ऐन वक्त पर टिकट काट दिया जाता है, जबकि धनंजय सिंह भी बाहर आ चुके थे, उनका काफी दबदबा है, मायावती के लिए तो यहाँ पर स्कोर करने का वक्त था। अमित, वाकई में ये यक्ष प्रश्न है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का जो टिकट है वो कटा तो आखिर क्यों कटा। धनंजय सिंह इसी जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी से ही सांसद रह चुके हैं, दो बार विधायक रह चुके हैं, एक बार अपने पिता को विधायक बनवा चुके हैं। ऐसे में इस पृष्ठभूमि का अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो या अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहा हो तो वो किसी भी पार्टी के लिए एक एसेट की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ पर अगर धनंजय सिंह को चुनाव में पीछे किया गया है, उनकी पत्नी का टिकट काट दिया गया है और श्याम सिंह यादव को लेकर के आया गया है, तो सवाल ये उठता है कि पहले श्याम सिंह यादव को टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि वो मौजूदा समय में जौनपुर से ही सांसद थे और ऐसे समय में उनका टिकट काटा जाता है, श्रीकला सिंह को उम्मीदवार बनाया जाता है, धनंजय सिंह जेल से बाहर आ जाते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं और ये बताया जा रहा है जो जौनपुर का माहौल है कि काफी हद तक धनंजय सिंह फाइट में नजर आ रहे थे, क्योंकि चुनाव मैनेजमेंट को करने के मामले में धनंजय सिंह इस पूरे मामले से काफी ज्यादा वाकिफ है, पूरे इलाके से वाकिफ है और वन टू वन जो कनेक्ट बनाते हैं वो भी काफी बेहतर बनाते हैं। लेकिन इसका जवाब तो जाहिर सी बात है बहुजन समाज पार्टी के तरफ से ही आ पाएगा कि धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटा गया है तो उसके पीछे वजह क्या है, और श्याम सिंह यादव जिनका टिकट पहले काट दिया गया था अब उनको टिकट दे दिया गया है, वो भी उस दिन जब जौनपुर में नामांकन का आज अंतिम दिन है, 3 बजे तक नामांकन होना है और हमारी जानकारी के मुताबिक दोपहर 1 बजे के करीब श्याम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर जाएंगे और जौनपुर में नामांकन करेंगे। तो ये बताया भी जा रहा है कि धनंजय सिंह की तरफ से फैसला कर लिया गया है कि अब उनकी पत्नी चुनाव मैदान में नहीं जाएंगी, तो जो जौनपुर का पूरा सीट है वो पूरा जो गरमाई हुई राजनीति है वो और भी ज़्यादा आज गरमा गई है, क्योंकि चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काट दिया गया है और श्याम सिंह यादव को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि धनंजय सिंह पार्टी के नए कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। देखना है कि जो ट्विस्ट आया है उसके बाद जो श्रीकला है अपना नामांकन वापस लेती है, अगर लेती है तो क्या ऐसे में क्या वो अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करती है, धनंजय सिंह क्या करते हैं इस पूरे चुनावी माहौल में, ये देखना दिलचस्प रहेगा।